हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ गोल्डन की पॉइंट्स को देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सबसे फर्स्ट की पॉइंट है हमारा हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यू। हाइपोक्सिया टर्म जो होती है उसका मीनिंग होता है बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन कम मात्रा में है। नेक्स्ट इज साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब है ब्लूइश स्किन डिस्कलरेशन ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। O2 की डेफिशिएंसी की वजह से स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लूइश कलर की स्किन देखने को मिलती है, वो कंडीशन हमारी कहलाती है साइनोसिस। नेक्स्ट है एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया का मतलब ये होता है कि ब्रीदिंग जो है वो इनिशिएट करने में फेल्ड हो गया है, ज्यादातर हमें नियोनेट्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसे कि हम बर्थ एस्फेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर O2 का लेवल कम है, तो वो हमारी टर्म कहलाती है हाइपोक्सीमिया। नेक्स्ट है एडिमा। एडिमा का मतलब फ्लूड जो है वो टिश्यूज के अंदर इकट्ठा हो गया है, फ्लूड एक्युमुलेशन इन टिश्यू एडिमा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारी एप्सिस। एप्सिस मतलब प्लूरुलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यूज। नेक्स्ट है सेल्युलाइटिस। सेल्युलाइटिस का मतलब है इन्फेक्शन ऑफ डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज। नेक्स्ट आता है हमारा बर्न एंड वुंड मैनेजमेंट। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे फर्स्ट है रूल ऑफ नाइन। रूल ऑफ नाइन जो होता है वो बर्न की सीवियरिटी को असेसमेंट करने के लिए हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आती है बर्न के डिग्रीज। बर्न जो होता है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री बर्न के अंदर अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ट होता है बर्न के डेप्थ और उसके पेन के लेवल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा स्किन ग्राफ्ट। स्किन ग्राफ्ट जो होता है हम दो तरह का देखते हैं, एक होता है ऑटोग्राफ्ट, दूसरा होता है एलोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब है कि हम पेशेंट जो है उसकी खुद के स्किन से अगर हम स्किन ग्राफ्ट कर रहे हैं तो वो हमारा ऑटोग्राफ्ट कहलाता है। एलोग्राफ्ट का मतलब होता है फ्रॉम जेनेटिकली अनरिलेटेड डोनर है, तो वो हमारा कंडीशन एलोग्राफ्ट स्किन ग्राफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी कोएलोनाइकिया। इसके अंदर क्या होता है कि जो नेल्स होते हैं उनका शेप कॉनकेव शेप या फिर स्पून शेप्ड हो जाता है, वो कंडीशन हमारी कोएलोनाइकिया कहलाती है। नेक्स्ट है चेस्टेक्साइन। इसके अंदर फेशियल मसल में स्पैज्म होता है और यह हमें यह इंडिकेट कर रहा है हाइपोकैल्शेमिया की कंडीशन को। हाइपोकैल्शेमिया की कंडीशन के अंदर हमें दो साइन देखने को मिलते हैं, एक है चेस्टिक साइन, दूसरा है प्रोशियस साइन। यह भी हमें हाइपोकैल्शेमिया की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिजीज है हमारी ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज के अंदर क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है और वो भी एक्सोथेलमस के साथ होता है। वही हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर हमें मिक्सेडिमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट है एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली के अंदर ओवरग्रोथ हो जाती है बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज की। नेक्स्ट है जिगेंटिज्म। जिगेंटिज्म में क्या होता है, हाइपर फंक्शनिंग हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड की इन प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन के अंदर। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है हमारी एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज के अंदर एड्रिनल इनसफिशियंसी होती है ड्यू टू ACTH की डेफिशियंसी की वजह से। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन आती है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर एक्सेस कॉर्टिसोल होता है ड्यू टू हाई ACTH लेवल। देख सकते हैं आप यहाँ पर ACTH का लेवल कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हाई है, लेकिन ACTH डेफिशिएंसी है एडिसन डिजीज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायबिटिक किटो एसिडोसिस। यह हमारा डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर के किटोन बिल्डअप होता है। नेक्स्ट है HbA1c। यह हम जब लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर कंट्रोल कितना है यह हमें मेजर करना होता है तो हम HbA1c टेस्ट को प्रिफर करते हैं। इसके बाद आता है हमारा SGLT2 इनहिबिटर। यह जो होती है वो मेडिकेशन है हमारी जो कि टाइप 2 डायबिटीज जो होती है उसके अंदर यूज में लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीनल ग्लाइकोस्यूरिया। रीनल ग्लाइकोस्यूरिया के अंदर क्या आता है, ब्लड शुगर लेवल अगर 180 mg से ज्यादा हो जाता है तो हमारा जो ग्लूकोज है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं रीनल ग्लाइकोस्यूरिया। नेक्स्ट है वॉटसन एंड क्रिक एलुसिडेटेड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। DNA का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट है सेल्यूलर फंक्शन। सेल्यूलर फंक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो सेल्यूलर एक्टिविटी होती है वो प्ले की जाती है न्यूक्लियस से। नेक्स्ट है टिश्यू एट्रोफी। टिश्यू एट्रोफी का मतलब है डिक्रीज्ड ऑर्गन और टिश्यू साइज ड्यू टू डिक्रीज्ड सेल नंबर। सेल के जो नंबर है वो डिक्रीज होने की वजह से उस ऑर्गन या टिश्यू का साइज कम हो जाता है, वो कहलाता है हमारा टिश्यू एट्रोफी। नेक्स्ट आता है हमारा एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, टिश्यू कन्वर्ट ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विदाउट ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर यह हो रहा है कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है लेकिन विदाउट ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो हमारा एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका फंडामेंटल यूनिट होता है सेल। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होता है उसके अंदर चार फेसेस होती है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। सेल डिवीजन बिगिंस विद प्रोफेस, द इनिशियल फेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो स्टार्ट होता है वो होता है प्रोफेस फेज से, जिसे कि इनिशियल फेज कहा जाता है सेल डिवीजन की। नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस वेयर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन। लो से हाई कंसेंट्रेशन के अंदर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, लेकिन वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होता है दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस जो है वो हमें रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एबंडेंट ह्यूमन टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट प्रिवेलेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर चार तरह के टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, मसल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। इसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पिनसाइटोसिस। पिनसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, यह एक सेल प्रोसेस है जिसके अंदर की जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती है उसको सेल इंजेस्ट कर जाती है। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोड्यूस करता है प्रोटीन विद इन द सेल्स। नेक्स्ट है मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन पाथवे। जो एटीपी प्रोडक्शन का पाथवे होता है वो मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस करता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पर्म फॉर्मेशन। गोल्जी बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रोसोम फॉर्मेशन इन स्पर्म। स्पर्म के अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा टेल। इसका जो हेड वाला पोर्शन होता है उसके अंदर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, और इस एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है, सेल एब्जॉर्ब करती है उन मॉलिक्यूल को जिससे कि प्रोटीन्स वगैरह उसे इंगल्फ कर लेती है, वो कहलाता है हमारा एंडोसाइटोसिस। आगे हमने पिनसाइटोसिस ऑलरेडी देखा हुआ है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जनरेट करता है एटीपी को, और उसका दूसरा नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथिलियम। ट्रांजिशनल एपिथिलियम हमें हमारी बॉडी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्राइसोमी 21, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम पूछेंगे तो हमें पता होना चाहिए ट्राइसोमी 21 यहाँ पर होगा, जिसके अंदर क्या होता है कि 21 क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। नेक्स्ट है जीनोम। जीनोम के अंदर कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल होता है उस ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डीएनए। डीएनए स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को उसके स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद आता है मिलेनोसाइट का लोकेशन। हमारी स्किन के अंदर जो मिलेनोसाइट होती है वो कौन सी लेयर के अंदर पाई जाती है, तो वो होता है हमारा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जो कि एपिडर्मिस लेयर का टाइप है। नेक्स्ट है स्किन पिगमेंट। स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन होता है वो मिलेनिन जो होता है वो डिटरमाइन करता है स्किन के कलर को। नेक्स्ट हम देखेंगे एपिडर्मिस लेयर। आउटर टू इनर हम देखेंगे तो सबसे फर्स्ट आता है कॉर्नियम, फिर आता है ल्यूसिडियम, नेक्स्ट है ग्रेन्युलोसम, और उसके बाद है जर्मिनेटिव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लड शुगर लेवल। नॉर्मल फास्टिंग रेंज जो होता है वो 70-110 mg पर डीएल के बीच में होता है। उसके बाद आता है हमारा इंसुलिन एब्सॉर्प्शन। मोस्ट रैपिड इंसुलिन का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो होता है एब्डोमन के अंदर। इसके बाद हमारे आर्म्स के अंदर आता है, उसके बाद थाइस और बटक्स के अंदर बहुत लिमिटेड अमाउंट में एब्सॉर्ब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। फिनाइल एलेनिन इज यूज्ड इन इट सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन का जो सिंथेसिस होता है उसके अंदर फिनाइल एलेनिन जो होता है वो यूज में आता है। फिनाइल एलेनिन एक इसेंशियल एमाइनो एसिड का टाइप है, जो कि प्रोटीन को फॉर्मेशन के लिए और उसी के साथ ही कुछ वाइटल मॉलिक्यूल जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन को फॉर्मेशन के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसका मेन काम होता है सीरम कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो करता है हमारा सीरम कैल्शियम लेवल को डिक्रीज। अगर हम बात करते हैं पैराथायरॉयड और कैल्सिटोनिन के, तो इन दोनों का ओपोज एक्शन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन फंक्शंस। जो पीटीएच है उसका फंक्शन होता है कि वो कैल्शियम एब्सॉर्प्शन को इंटेस्टाइन के अंदर इंक्रीज करता है। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी पिनियल ग्लैंड हार्मोन, जिसका प्राइमरी सिक्रेशन होता है मेलाटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंसुलिन प्रोडक्शन।
46 और 47 पॉइंट लगभग सिमिलर है। इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो आइसोलेट सेल ऑफ पैनक्रियास जो कि बीटा सेल होती है वो हमारे इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास बोथ इन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियास होता है वो मिक्स्ड टाइप के ग्लैंड है जिसे कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, मतलब इसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीटीएच एक्शन। पैराथायराइड हार्मोन का क्या एक्शन होता है? इसका प्राइमरी रोल है कि यह हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल को एलिवेट करता है। नेक्स्ट है हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन सिक्रेट करती है जो कि केमिकल मैसेंजर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस कंसेंट्रेटेड इन द पैनक्रियास सेल। आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस हमें पैनक्रियास के अंदर देखने को मिलती है और वो भी ज्यादातर इसका कंसेंट्रेशन टेल वाले पोर्शन में होता है एज कंपेरिजन टू हेड और बॉडी। नेक्स्ट है पैनक्रिएटिक एंजाइम। पैनक्रिएटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो कि पैनक्रिएटिक सिक्रेशन जो होते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स। जब इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है तो फ्लाइट और फाइट रिएक्शन जो होता है वो हमारा इंटेंसिफाइड होता है एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटीज से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थायराइड हार्मोन इफेक्ट। थायराइड हार्मोन का जो इफेक्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है, यह हमारी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, इसी के साथ ही प्रमोट करता है थर्मोजेनेसिस को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एचबीए1सी। एचबीए1सी जो होता है उसका जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो यह हमें यह रिफ्लेक्ट करता है कि पास्ट 3 मंथ का जो था ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका एवरेज रेंज जो है वो हमें रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर यह सिंथेसाइज होता है, इसी के साथ ही यह स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो दो हार्मोन को सिक्रेट करती है, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो होता है उसका दूसरा नाम है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट है डायबिटीज मैनेजमेंट। अगर हम डायबिटीज को मैनेज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एचबीए1सी का जो टारगेट होता है वो बिलो 6.5% होता है। नेक्स्ट है आई स्ट्रक्चर। कॉर्निया फोकसेस लाइट ऑन टू रेटाइना। आई के स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉर्निया होता है वो लाइट को फोकस करता है रेटाइना के ऊपर। नेक्स्ट है लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। इन इंडिया हम लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो वो है हमारा कैटरेक्ट।